दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वा कल्चर फार्म से। कैसी है मेरी पीवीआर एक्वा फैमिली? आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं, सबका हार्वेस्ट बहुत अच्छा रहा होगा, सबने अच्छा कल्चर किया है और नए कल्चर के लिए सब रेडीनेस है। जो जिस प्रजाति में जिस टेक्नोलॉजी में मछली पालना चाहता है वो उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक बैक एनालिसिस मेथड बताना चाहता हूं। ये बैक एनालिसिस मेथड क्या है, जिससे आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आप कौन सी मछली का पालन करें और किस पद्धति में करें और कितना आपके पास फंड होना चाहिए और आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि सबके सब तो सक्सेस स्टोरीज बताते हैं, बट हमें पैरेलली वो पॉइंट भी हमारे दिमाग में होने चाहिए जिनके कारण फिश फार्मिंग में लोग बाग फेल हो जाते हैं। तो बैक एनालिसिस मेथड क्या है, आप सबसे पहले देखिए कि मैंने जो मछली कर रहा हूं मैं क्यों कर रहा हूं। फर्स्ट थिंग, जिस मछली का भी आप पालन कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्या आप उसे डोमेस्टिक में सेल करेंगे, आप एक्सपोर्ट करेंगे, आप लाइव फिश सेल करेंगे, आप उसे रिटेल में सेल करेंगे। क्योंकि ये आपको इसलिए जानना बहुत जरूरी है, उसी के हिसाब से आप अपना फार्म गेट प्राइस डिसाइड करेंगे। अगर आप कोई मछली एक्सपोर्ट करने का प्लान कर रहे हैं उसका एक अलग प्राइस होगा, आप लाइव बेचेंगे उसका एक अलग प्राइस रहेगा, आप होलसेल में मास प्रोडक्शन करेंगे उसका अलग प्राइस रहेगा। क्योंकि आपकी जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन या बैक एनालिसिस रहेगी वो इसी बात पर डिपेंड करेगा कि आपको क्या प्रॉफिट चाहिए और किस प्राइस में आपने सेल करा है। क्योंकि आप पद्धति उसी के हिसाब से डिसाइड कीजिए। अगर आपने बैक एनालिसिस मेथड कर लिया तो आप 100% फॉरवर्ड इंटीग्रेशन भी और बैकवर्ड इंटीग्रेशन बड़े इजीली कर पाएंगे। तो आपने सबसे पहले ये डिसाइड करना है पहले पॉइंट में कि आप जो मछली पालन कर रहे हैं वो किस मार्केट के लिए कर रहे हैं। आप रिटेल, ऑनलाइन, लाइव, डोमेस्टिक, एक्सपोर्ट, उसी के साथ आपको यह भी ध्यान रखना है आपका साइज क्या होगा और कल्चर का ड्यूरेशन क्या होगा। बहुत सी जगह कोई मछली 800 ग्राम की है, अगर आप फिलेट बनाओगे तो वो 1.5 किलो की चाहिए, इसलिए उसका साइज फोकस होना चाहिए और जो ड्यूरेशन है वो इसलिए डिसाइड होना चाहिए। आपने कहीं टाइप क्या किया, आप होटल्स को सप्लाई करेंगे और आपका कल्चर ड्यूरेशन इंक्रीज हो गया तो होटल कभी वेट नहीं करेगा। आपने ऑनलाइन के लिए क्या किया, आप अपनी इससे इस ड्यूरेशन में अपनी ऑनलाइन मछली को सेल कर पाएंगे, बट अगर आपका ड्यूरेशन इंक्रीज हो गई, कल्चर टाइम बढ़ गया, डेज ऑफ कल्चर इंक्रीज हो गए, तो इसलिए आप उसको बैकवर्ड तरीके से देखिए कि अगर मैंने टारगेट बनाया है मेरे को अक्टूबर में सेल करनी है उदाहरण के तौर पर फंगास, और फंगास मेरे को 10 से 15 ग्राम की सीड, 10 ग्राम का सीड स्टॉक कर रहा हूं, तो मेरे को 180 डेज मिनिमम चाहिए उसको 1 किलो 1100 ग्राम पे लेके जाने के लिए। तो आप बैकवर्ड 6 महीने आप काउंट कर लें कि मेरे को इस टाइम तक स्टोर करनी है। तो ये इसलिए इसको बैकवर्ड एनालिसिस मेथड कहते हैं। सेल प्राइस जो है, सेल प्राइस आपको ये एनालाइज करवा पाएगा क्योंकि जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लाइन आइटम्स है, अगर आपने सेल प्राइस वो 100 रुपीज पे की है तो उसमें से आप पहले सारे प्राइजेस रिड्यूस करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के, कि 100 रुपीज में फार्म गेट पे सेल कर रहा हूं तो अब जो मेरे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लाइन आइटम्स है, सबसे पहले फीड है, सीड है या मेडिसिन है, लीज है, लेबर है, अगर वो आपकी सपोज कीजिए कि आपके 100 रुपीज तो वो ही बोझ जाते हैं और 100 में आप सेल कर रहे हैं तो आप क्यों करेंगे। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ऑपरेशनल कॉस्ट है और जो सेल प्राइस है, उसमें जो आपने मार्जिन डिसाइड किया आपने प्रॉफिट के लिए, चाहे वो 20% हो, 30% हो, 40% हो, वो आपको डिसाइड करना है और आपको अपने एरिया में रोल मॉडल बनना है, अपना बेंचमार्क खुद डिसाइड कीजिए। इसकी कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है कि आप 100 पे मछली बेचेंगे। आप अपनी मछली टाइम से बड़ी कर दीजिए, वो 120 भी मैंने बिकती देखी है और वो 200 रुपए भी बिकती देखी है, डिपेंड होगा स्पीसीज का। इसीलिए आप बैकवर्ड तरीके से चलेंगे तो आप सबसे पहले आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेजर कर ली उसी, क्योंकि जब आप उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जाएंगे जो लीज कंपोनेंट रहेगा वो आपकी फैक्टर डिसाइड करेगा कि आप किस पद्धति में पालें। आपकी लीज बड़ी कम है और आप आ रहे हैं इसमें 200 ग्राम की सिंगी देसी मांगुर कर रहे हैं तो वर्केबल है, लेकिन आप कार्प्स करना चाहते हैं वो भी शहर में करना चाहते हैं, वो भी आरएस में करना चाहते हो, फिजिबल नहीं है। मैंने लास्ट वाली वीडियो में इसलिए यही बताया था कि सारे कल्चर्स में सारी मछलियां या सारी मछलियां सारे कल्चर में वो एक्सेप्टेबल नहीं है। किसी मछली को कोई सी कल्चर टेक्नोलॉजी पसंद है और किसी कल्चर में कोई मछली एक्सेप्टेबल है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप सबको मिक्स कर दें और ये कह दे कि अब आप दिल्ली में गए कि हम तो बहुत हाई वैल्यू फिश पालना चाहते हैं और कोई आपको ऐसा कंसल्टेंट मिल जाए कि आप हिलसा पाल लीजिए आ रहे इसमें, तो आपको उस मछली की बायोलॉजी पता होनी चाहिए। तो आपने जब रिवर्स किया तो आपको सेल प्राइस पता था, फार्म गेट पर आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट पता थी, तो आपको पता रहेगा कि आपका क्या प्रॉफिट मार्जिन है और इसी को हम कहते हैं कि हमने सेल प्राइस मार्केट एनालिसिस किया।
तो बैक एनालिसिस मेथड इज दैट कि आप सारी कॉस्टों को माइनस करते जाइए और जो आपको नेट नेट बच रहा है, जो आप घर लेके जा रहे हैं, तो आप ये देख लीजिए कि ये वो आपके लिए वर्केबल है या नहीं है। और उसमें भी आप इस तीसरी मेन इंपॉर्टेंट बात का ये ध्यान रखना है आपको उसमें कि जो आपने ओपेक्स केपेक्स जो कैपिटल एक्सपेंडिचर या डेवलपमेंट कॉस्ट लगाई है वो एवरेज 6 to 7 ईयर्स में आप पे बैक कर ले अपने प्रोजेक्ट से, इस बात का बड़ा ध्यान रखना है। आपने अगर सपोज कीजिए कि आपने कोई भी आरएस भी लगाया 1 CR का, तो आपको वो पैसे भी तो वापस निकालने हैं सिस्टम से। तो ये तीन मेन बातों का आप ध्यान रखिए बैक एनालिसिस मेथड से, तब आप डिसाइड करें कि आप इस एक्वा कल्चर में इस पद्धति में इस मछली का पालन करेंगे। दोस्तों बने रहे अपने पीवार एक्वा यूट्यूब चैनल पर, और बहुत छोटी से छोटी बात भी मैं आपके सामने रखता हूं कि जिससे जो फार्मर्स इस कम्युनिटी में आए, जो एंटरप्रेनर्स इस कम्युनिटी में आए, वो इस इंडस्ट्री को बढ़ाने में अपना योगदान दें, अपने एरिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। धन्यवाद।